Hello students, today we will discuss the question answers related to our chapter number 3 from our first flight book. The name of the chapter is Two Stories About Flying. So let's discuss the first part, his first flight. So our first question is that why was the young seagull afraid to fly? Young seagull jo tha usi udne mein dar kyun lag raha tha? Do you think all young birds are afraid to make their first flight? क्या आपको लगता है कि सारे ही जो छोटे बर्ड्स होते हैं उनको फर्स्ट टाइम उड़ने में डर लगता है, और या फिर सम बर्ड्स मोर टिमिड देन अदर्स, कि कुछ एक जो बर्ड्स होते हैं वो ज़्यादा डरपोक होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर्स. एंड डू यू थिंक अ ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड्स इट अ चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप? और क्या आपको लगता है कि एक ह्यूमन बेबी जो होता है, छोटा बच्चा जो होता है, उसे भी जो फर्स्ट टाइम उसने चलना सीखता है, जब वो उसको फर्स्ट स्टेप लेना होता है बिना किसी सपोर्ट के, क्या उसको भी एक चैलेंज की तरह ही फील होता है? सो लेट्स डिस्कस द आंसर. द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड ही फियर्ड ऑफ फॉलिंग एंड हर्टिंग हिमसेल्फ. तो यंग सीगल क्यों डर रहा था? ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, उसको उड़ने से डर क्यों लग रहा था? बिकॉज इट वॉज़ हिज फर्स्ट फ्लाइट, क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम उड़ना था, एंड ही उसको ये डर था कि कहीं वो गिर ना जाए और उसके कहीं चोट ना लग जाए. हर्टिंग मीन्स चोट ना लग जाए. सो ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम वाइल फ्लाइंग. अब वो पहले कभी उड़ा नहीं था, फर्स्ट टाइम उसकी फ्लाइट थी, फर्स्ट टाइम कोशिश करना था उड़ने के लिए, तो वो सोच रहा था कि पता नहीं उसके जो पंख हैं उसको सपोर्ट भी करेंगे कि नहीं, वो उड़ पाएगा या फिर नहीं. सो इस तरह की कन्फ्यूजन उसके माइंड में चल रही थी. सो ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई. Yes, it is a natural phenomena, or it is natural that doing something for the first time is a bit challenging and fearful. तो of course कोई भी काम किसी ने भी पहली बार करना है तो it is somewhat challenging and fearful. पहली बार कोई भी काम करते हुए डर तो लगता ही है. So it is natural. So according to अगर हमें पूछा जा रहा है जैसे second part में, do you think all young birds are afraid to make their first flight, or some birds are more timid than others? तो अकॉर्डिंग टू मी, या फिर जैसे भी हम अपने व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो ऑल बर्ड्स मस्ट बी अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट. तो मुझे लगता है या फिर हमें लगता है कि जो सारे के सारे बर्ड्स हैं उनको फर्स्ट टाइम उड़ने में डर लगता ही है, क्योंकि कोई भी काम, कोई भी चाहे कोई इंसान है या बर्ड्स हैं, जब भी कोई फर्स्ट टाइम कोई काम किया जाता है तो डर लगता ही है एक बार. सो नेक्स्ट पार्ट वॉज दैट डू यू थिंक अ ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड्स इट अ चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप? क्या एक छोटे बच्चे को, ह्यूमन बेबी को भी डर लगता है, उसके लिए भी एक चैलेंज की तरह होता है फर्स्ट स्टेप लेना? सिमिलरली अ ह्यूमन बेबी इज ऑल्सो अफ्रेड ऑफ टेकिंग द फर्स्ट स्टेप एंड फाइंड्स इट डिफिकल्ट. हियर फाइंड्स विल कम, फाइंड नहीं, फाइंड जाएगा. फाइंड्स इट चैलेंजिंग वेन ही लर्न्स टू क्रॉल और स्टैंड अप विदाउट सपोर्ट. तो उसी तरह से जैसे बर्ड्स को डर लगता है फर्स्ट टाइम फ्लाइट लेने में, सेम वे ह्यूमन बेबी को भी डर लगता है जब उसको फर्स्ट स्टेप लेना होता है, चलना होता है, तो उसके लिए एक चैलेंजिंग काम होता है. एंड जब उसको क्रॉल करना सीखना है या फिर बिना सपोर्ट के जब उसको खड़ा होना होता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम. व्हाट डज दिस सजेस्ट? व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई? अब साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, मैडन मीन्स मतलब पागल कर दिया. साइट ऑफ द फूड, जब उसने फूड देखा. अब ये कब की बात है? जब यंग सीगल ने अपनी मदर की बीक में फूड देखा, या और तो वो एक तरह पागल हो गए, या फिर उसको फूड को काटते हुए देखा था जब उसने अपनी मदर को अपनी बीक के साथ, तो एक तरह वो पागल सा हो गया क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी. एंड व्हाट डज दिस सजेस्ट? अब इसका हम एक्सप्लेन करेंगे आंसर में. व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई, और किस तरह वो मजबूर हो गया एकदम उड़ने के लिए, फाइनली उसने किस तरह अपनी फर्स्ट फ्लाइट ली, तो वो भी ड्यू टू हंगर ही है. सो लेट्स डिस्कस. द यंग सीगल वॉज वेरी हंग्री. इट वॉज हिज हंगर दैट अल्टीमेटली कंपेल्ड इट टू फ्लाई. अब यंग सीगल ने, जैसे हमने चैप्टर पढ़ा था, तो उसको पूरा एक दिन हो चुका था कि उसने कुछ भी नहीं खाया था, कुछ उस भूखा प्यासा था. सो इट वॉज अ हंगर दैट अल्टीमेटली कंपेल्ड इट टू फ्लाई. सो बिकॉज ऑफ हंगर ओनली, ये उसकी हंगर ही थी, उसकी भूख ही थी जिसने उसको कंपेल किया, मजबूर किया अपनी फर्स्ट फ्लाइट के लिए. इट्स हंगर इंटेंसिफाइड वेन इट सॉ इट्स मदर टियरिंग एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट.
और जब उसने अपनी मदर को अपने पैरों में, जो मदर के पैरों में एक फिश पड़ी थी, फिश का पीस था, तो उसको जब उसकी मदर काट रही थी, इट्स हंगर इंटेंसिफाइड व्हेन इट सॉ इट्स मदर टियरिंग एट अ पीस ऑफ फिश, जब उस फिश के पीस को वो टियर कर रही थी, काट रही थी अपनी बीक के साथ जो कि उसके पैरों में पड़ा हुआ था, उसको देख के उस ये जो यंग सीगल था जो उड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था, उसकी हंगर इंटेंसीफाई होगी, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गई उसकी जो भूख थी, उसको देख के एट द साइट ऑफ फिश जो उसकी भूख थी वो और भी ज़्यादा बढ़ गई। इट क्राइड टू हर बेगिंग हर टू गेट सम फूड, और ये अपनी मदर की तरफ देखते हुए क्राई करने लगा, उससे उसको ये शो करने लगा कि मुझे, और उसको कहने लगा, बेगिंग मतलब रिक्वेस्टिंग हर टू गेट सम फूड, कि उसको खाना ला के दे दें। When its mother came towards it with food in her beak, it screamed with joy and anticipation. अब जब उसकी मदर उसके लिए खाना लेके आई, जो फिश के पीसेस थे वो अपनी बीक में लेके उठा के लेके आई अपने इस यंग सीगल बच्चे के लिए, तो इट स्क्रीम्ड विद जॉय, तो ये जो यंग सीगल था बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया और खुशी से वो चिल्लाने लगा, स्क्रीम्ड मीन्स क्राई करने लगा, आवाज़ें करने लगा, एंड एंटिसिपेशन मतलब हो किसी चीज़ का कुछ होने की जब हमें उम्मीद होती है तो एंटिसिपेट बोलते हैं उसे, तब उसे उम्मीद, जैसे उसकी उम्मीद जागी तो, और उसकी मम्मा जो है उसका उसके लिए फूड लेके आई, सो एट दिस साइट इट वॉज वेरी हैप्पी। However, she stopped midway. But क्या हुआ, वो तो बीच रास्ते में ही रुक गई। It wondered why she didn't come nearer. और इसको हैरानी होने लगी कि उसकी मदर उसके पास क्यों नहीं आ रही है उसे ये फिश का पीस देने के लिए। Not being able to resist or control its hunger any longer, it dived at the food in its mother's beak. अब ये क्वेश्चन का पार्ट देखें। What compelled the young seagull to finally fly? उसका आंसर यहाँ आ रहा है Not being able to resist or control its hunger. अपनी हंगर को, अपनी भूख को कंट्रोल ना कर पाने के कारण अब वो इतना ज़्यादा भूखा था, इतना ज़्यादा उसे भूख प्यास लगी हुई थी कि जब उसने अपनी मदर की बीक में वो फूड देखा, फिश का पीस देखा, तो उससे कंट्रोल नहीं हुआ, उसकी भूख कंट्रोल नहीं हो रही थी उससे, और वो इट डाइव्ड एट द फूड इन इट्स मदर्स बीक, तो एकदम से उसने जंप किया उस फूड की तरफ जो उसकी मदर की बीक में था, उसकी चोंच में था। एट दैट मोमेंट हिज हंगर ओवरपावर्ड हिज फियर ऑफ ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी बीनीथ द क्लिफ। अब पहले तो वो अपने जो सामने जो अपनी क्लिफ के नीचे जहाँ पे वो रॉक के क्लिफ मीन्स जो मैंने बताया था कि एक बड़ा हुआ आगे को बड़ा हुआ पार्ट था प्लेटू का, माउंटेन का, तो वहाँ पे ये यंग सीगल रुका हुआ था, बैठा हुआ था, तो उसके सामने उसे अगर वो थोड़ा नीचे देखता था तो उससे उसके सामने और उस क्लिफ के नीचे उसके उसे बहुत बड़ा सी दिखाई देता था, मतलब उसके सामने सी था बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया हुआ, दूर दूर तक उसे सी ही दिखाई देता था। सो एट दैट मोमेंट हिज हंगर ओवरपावर्ड हिज फियर ऑफ ग्रेट एक्सपैंस ऑफ सी बीनीथ द क्लिफ। इस क्लिफ के नीचे जो सी था जो बहुत ज़्यादा बड़ा था, दूर दूर तक जब वही दिखाई देता था, तो उस मोमेंट जब उसने जंप किया अपनी मदर की बीक में से फूड लेने के लिए, तो उसकी जो हंगर थी वो उसने उसके इस फियर को जो उसे उड़ने से रोक रहा था, फियर उस फियर को ओवर पार कर लिया, मतलब उसके डर के ऊपर जो उसकी भूख थी वो हावी हो गई, तो और उसको उसने अब उस टाइम उसे वो डर ख़त्म हो गया, उस टाइम उसे डर का ख्याल ही नहीं था कि इतना गहरा डीप सी है उसके सामने, उसमें गिर जाएगा, सो दिस काइंड ऑफ फियर और ये ख़त्म हो गए। फाइनली दिस प्लंज वॉज फॉलोड बाई द नेचुरल रिएक्शन ऑफ इट्स बॉडी दैट इज टू फ्लाई। और फाइनली जब उसके दिमाग में ये डर रहा ही नहीं, तो फाइनली जब इसने ये जंप किया था मदर के बीक में से खाना लेने के लिए, तो ये फॉलो हुआ नेचुरल रिएक्शन ऑफ इट्स बॉडी, तो नेचुरली उसकी जो बॉडी थी, उसके जो विंग्स थे वो फ्लटर करने शुरू हो गए एंड इट वॉज एबल टू फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट they were beckoning to him, calling shrilly. Why did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? Now they were beckoning him. Who were beckoning? Beckoning means call करना, बुलाना किसी को।
कॉलिंग श्रीली, श्रीली मतलब बहुत चिल्ला चिल्ला के आवाजें लगाना, यहाँ पे श्रीली बोला गया है जो बर्ड्स की आवाज होती है उसे, तो अपनी आवाजों के साथ उसको बुला रहे थे। एंड व्हाई डिड सीगल्स, अब यहाँ पे दे कौन है, दे है उसके पेरेंट्स, ये सीगल के पेरेंट्स एंड ब्रदर सिस्टर, दे वर बेकनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, व्हाई डिड सीगल्स फादर एंड मदर थ्रेटन हिम एंड कैजोल हिम टू फ्लाई, और उन्होंने इसे थ्रेटन क्यों किया, उसको धमकी क्यों दी, एंड ऑल्सो कैजोल हिम टू फ्लाई, और किस तरह उन्होंने उसको परसुएड किया, कैजोल मतलब किसी को किसी चीज़ के लालच दे के मनाना, तो किस तरह उन्होंने इस सीगल को फ्लाई करने के लिए कैजोल किया, परसुएड किया, अग्री किया। सो सीगल्स पेरेंट्स हैड ट्राइड एवरीथिंग बट ही वॉज रिलक्टेंट टू फ्लाई ड्यू टू फियर ऑफ फॉलिंग डाउन। अब सीगल के पेरेंट्स ने हर एक चीज़ अपना ली उसको डरा धमका के, एंड बहुत सारे तरीकों से उन्होंने ट्राई किया, प्यार से भी गुस्से से भी, कि ये बर्ड किसी ना किसी तरह से, ये सीगल जो है अपनी फर्स्ट फ्लाइट भरे, अपनी पहली उड़ान भरे और उड़ना सीखें। बट ही वॉज रिलक्टेंट टू फ्लाई ड्यू टू फियर ऑफ फॉलिंग डाउन। अब जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि जो ये सीगल था उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था उड़ने से, एंड उसे ये डर था कि कहीं वो इस सी में गिर ना जाए और उसके विंग्स उसे सपोर्ट करेंगे या नहीं, तो इस तरह से ही वॉज हेजिटेंट, उसको रिलक्टेंट मीन्स हेजिटेंट, उसको बहुत हेजिटेशन थी क्योंकि वो उसे डर था गिरने का। ही लुक्ड एट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर बट वॉन्ट मेक एनी एफर्ट्स, वो अपने भाइयों और बहन की तरफ वो देखता उनको एफर्ट करते हुए, उनको उड़ते हुए, बट वॉन्ट मेक एनी एफर्ट्स, बट वो खुद एफर्ट नहीं कर रहा था, उससे खुद से एफर्ट नहीं हो रहे थे उड़ने के। दैट्स वाई द होल फैमिली हैड लेफ्ट हिम अलोन एंड थ्रेटन्ड एंड कैजोल्ड हिम टू कम बट एवरी एफर्ट वेंट इन वेन। तो इसीलिए उन्होंने उसको थ्रेटन किया, और क्या थ्रेटन किया, और उसको अकेला छोड़ दिया उस क्लिफ के ऊपर, अकेला जब वो भूखा, एकदम भूखा प्यासा, अकेला उसी क्लिफ के ऊपर उसे छोड़ दिया उसके पेरेंट्स ने, एंड थ्रेटन एंड केजोल्ड हिम टू कम बट एवरी एफर्ट वेंट इन वेन। अब थ्रेटन किस तरह से किया था, थ्रेटन उसको ऐसे किया था, उन्होंने बोला था कि तू यहीं पे भूखा मर, अगर तू नहीं उड़ेगा तो यहाँ तुझे कोई हम खाना नहीं देंगे, तो यहीं पे भूखा प्यासा मरेगा। एंड केजोल्ड हिम मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने ट्राई किया, उसको परसुएड किया कि उड़ने के लिए, बहुत सारे लालच भी दिए, जैसे भी जैसे उसके ब्रदर सिस्टर्स को वो प्यार से सिखा रहे थे उड़ना, तो उस इस चीज़ को भी दिखा के उन्होंने परसुएड किया इसे सीगल को उड़ने के लिए, बहुत मनाया भी, बट एवरी एफर्ट वेंट इन वेन, पर उनके जो सारे एफर्ट्स थे वो सब बेकार चले गए। वेंट इन वेन्स दैट मीन्स दे वर ऑफ नो यूज। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज देयर द ब्लैक एरोप्लेन। आई टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क एंड व्हाई डज द नरेटर टेक इट। अब नरेटर, अब यहाँ पे ब्लैक एरोप्लेन की बात करें तो यहाँ पे एक पायलट की कहानी थी जिसमें पायलट जो है एक स्टॉर्मी नाइट में उड़ान भरता है अपने घर जाने के लिए। सो आई टेक द रिस्क, अब यहाँ पे किस रिस्क की बात हो रही है, पायलट कह रहा है आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क, रिस्क क्या है, एंड व्हाई डज द नरेटर टेक इट, और वो नरेटर जो है पायलट जो खुद ही नरेटर है, तो वो रिस्क क्यों लेना चाहता है, क्यों वो लेता है वो ये रिस्क। द रिस्क वॉज टू फ्लाई थ्रू द ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड्स, तो रिस्क क्या था, टू फ्लाई थ्रू द ब्लैक स्टॉर्मी क्लाउड्स, ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड्स के बीच में फ्लाई करना। द ऑथर वॉज कीन टू रीच हिज होम, अब वो क्यों रिस्क लेता है, द ऑथर वॉज कीन टू रीच हिज होम टू स्पेंड हिज हॉलीडे विद हिज फैमिली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था अपने घर जाने के लिए, अपनी जो छुट्टी थी अपनी फैमिली के साथ बिताने के लिए, सो ही टेक्स द रिस्क, सो ही डिसाइडेड टू फ्लाई थ्रू द स्टॉर्म एज ही डिडंट वॉन्ट टू मिस द चांस टू मीट हिज फैमिली एट ब्रेकफास्ट, एंड ही वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन एंजॉइंग द ब्रेकफास्ट अलॉन्ग विद हिज फैमिली। सो उसने डिसाइड किया कि ये वो रिस्क लेगा और स्टॉर्मी क्लाउड्स के अंदर से भी अपने डकोटा जो ओल्ड प्लेन था उसका, उसको ले जाएगा एंड अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट इंजॉय करेगा नेक्स्ट डे। Does he took the risk even when the visibility was almost zero in the storm? और इस तरह से उसने रिस्क लिया जबकि विजिबिलिटी मतलब स्टॉर्म जो क्लाउड्स थे वो इतने डार्क थे कि उसमें से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इवन वेन द विजिबिलिटी वॉज ऑलमोस्ट जीरो,
कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी उसने इतना बड़ा रिस्क लिया और अपना जहाज जो था वो उड़ाता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इन टू द स्टॉर्म। अब नरेटर का क्या एक्सपीरियंस था जब उसने ये रिस्क तो ले लिया, उन जो डार्क कलर्ड स्टॉर्मी क्लाउड्स थे उनमें अपना उसमें उसने अपनी फ्लाइट को कंटिन्यू किया, तो उसने क्या एक्सपीरियंस किया एट दैट टाइम। एज द पायलट एंटर्ड द स्टॉर्म हिज प्लेन स्टार्टेड जंपिंग एंड ट्विस्टिंग। और जैसे ही उसने स्टॉर्मी क्लाउड्स में अपने प्लेन को एंटर किया तो उसका जो प्लेन था वो जंप और ट्विस्ट करना शुरू हो गया, मतलब उसका बैलेंस बिगड़ गया। ही कुडंट सी एनीथिंग आउटसाइड द प्लेन एज एवरीथिंग वेंट ब्लैक। और इतने ज़्यादा डार्क क्लाउड्स थे कि उसको अगर बाहर देखता तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे पा रहा था। व्हेन ही लुक्ड एट द कंपास एंड एनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स दे हैड स्टॉप्ड टू फंक्शन ड्यू टू स्टॉर्म। अब स्टॉर्म के कारण जो उसके पास जो कॉन्टैक्ट करने वाले जो उसके इंस्ट्रूमेंट्स थे लाइक रेडियो एंड जो जिससे वो कंट्रोल रूम में कॉन्टैक्ट करता था एंड द कंपास जिससे उसने डायरेक्शन देखनी थी कि उसको किस तरफ टर्न लेना है, तो दे वर ऑल्सो स्टॉप्ड टू फंक्शन। उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया था, दे हैड स्टॉप्ड टू फंक्शन एंड इट वॉज अ टेरिबल एंड फियरफुल एक्सपीरियंस फॉर हिम। और ये जो एक्सपीरियंस था उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डरावना और बहुत भयानक एक्सपीरियंस था, क्योंकि उसकी हेल्प उसको हेल्प के लिए कोई भी उम्मीद नहीं थी इस टाइम पे। उसका जो रेडियो है वो काम नहीं कर रहा था, कंपास काम नहीं कर रही थी एंड ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि उसे अब क्या करना चाहिए, अब किस तरफ जाए। द फ्यूल टैंक वॉज ऑलमोस्ट एम्प्टी। और एक और प्रॉब्लम थी कि उसका जो फ्यूल टैंक था वो भी ऑलमोस्ट एम्प्टी था, उसमें भी कुछ ज़्यादा फ्यूल बाकी नहीं बचा था एंड ही वॉज नॉट एबल टू फ्लाई मोर देन 10 मिनट्स। अब इतना ही फ्यूल था उसके पास कि सिर्फ वो 10 मिनट तक ज़्यादा से ज़्यादा वो और ज़्यादा उड़ान भर सकता था, इससे ज़्यादा नहीं। देन ही सॉ अनदर ब्लैक एरोप्लेन बाय हिज साइड एंड द पायलट ऑफ द प्लेन सिग्नल्ड हिम टू फॉलो। अब अचानक से एक मिरेकल होता है कि वो मिरेकल क्या है कि अचानक से उसे एक और ब्लैक एरोप्लेन दिखाई देता है। अब एक तो प्लेन उसका है तो एक ब्लैक एरोप्लेन उसे दिखाई देता है जिसके विंग्स के ऊपर कोई लाइट भी नहीं होती है एंड ही कुड सी द पायलट इनसाइड इट। और वो उसके अंदर बैठे हुए पायलट को भी देख सकता है क्लियरली और वो पायलट उसे इशारा करता है फॉलो करने के लिए। इट वॉज अ सरप्राइज फॉर द नरेटर। और ये एक नरेटर के लिए एक बहुत बड़ा आश्चर्य था, बहुत बड़ा सरप्राइज था। सो ही फॉलोड हिम विदाउट एनी चॉइस एंड लैंडेड सेफली ऑन द रनवे। और अब वैसे भी ऑथर के पास ये नरेटर के पास कोई और चॉइस तो थी नहीं, अब उसको एक उम्मीद की जो किरण दिखाई दी थी, एक आशा की किरण, तो उसने उसको ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर दिया जो नेक्स्ट पायलट था जो उसे अचानक से दिखाई दिया, तो एंड लैंडेड सेफली ऑन द रनवे। और बिल्कुल सेफली वो रनवे पे पहुंच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर व्हाई डज द नरेटर से आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा। नॉट सॉरी मतलब कोई अफसोस नहीं था। अब नरेटर ये क्यों कहता है कि मैंने सेफली लैंड किया और मुझे कोई अफसोस नहीं था ओल्ड डकोटा से निकल के आगे बढ़ने में। किस तरफ जा रहा था जब वो रनवे पर पहुंच गया था, तो ऑब्वियसली वो लैंड किया हुआ उसने रनवे पे और बाहर आके वो कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ रहा था। सो व्हाई डज ही से लाइक दिस द नरेटर हैड अ टेरिबल एक्सपीरियंस फ्लाइंग दैट ओल्ड डकोटा और ओल्ड प्लेन। मोर एवर ही कुडेंट सेटल हिमसेल्फ आफ्टर द स्कैरी फ्लाइट। ही वॉज मच रिलीव्ड आफ्टर द प्लेन लैंडेड हैंस ही सेड दैट ही वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा। अब एक तरह से यहाँ पे देखा जाए कि उसने कहा कि मुझे कोई अफसोस नहीं था, दैट मीन्स ही वॉज वेरी हैप्पी टू लैंड सेफली ऑन द रनवे। नरेटर ने बहुत भयानक एक्सपीरियंस था उसका जब वो इस ओल्ड डकोटा प्लेन को उड़ा रहा था। मोर ओवर ही कुडंट, अब वो क्या भयानक एक्सपीरियंस था, दैट मीन्स ही वॉज कॉट इन द डार्क और स्टॉर्मी क्लाउड्स। मोर ओवर ही कुडंट सेटल हिमसेल्फ आफ्टर द स्केरी फ्लाइट। और ये इतनी उसकी डरावनी फ्लाइट बन गई थी कि वो अपने आप को सेटल नहीं कर पा रहा था एकदम से। एंड ही वॉज मच रिलीव्ड, और बहुत ही आराम मिला उसे जब उसने अपना प्लेन लैंड किया, जब उसका प्लेन लैंड हो गया सेफली रनवे पे, तो उसे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला। ही फेल्ट वेरी कम्फर्टेबल, सो इसलिए वो कहता है हैंस ही सेड दैट ही वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली। अब किस बात के कारण जो कंट्रोल सेंटर में एक वुमेन थी तो किस कारण से इस नरेटर की तरफ बहुत ही आश्चर्य से, बहुत ही सरप्राइजिंगली और स्ट्रेंजली उसकी तरफ देखती है। द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर स्ट्रेंजली बिकॉज द नरेटर आस्क्ड हिम अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन एंड शी सॉ नो वन एक्सेप्ट शी हियर आई थिंक समथिंग इज मिसिंग बिकॉज द नरेटर आस्क्ड हिम अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन एंड शी सॉ नो वन एक्सेप्ट द नरेटर इन द स्काई ड्यूरिंग द स्टॉर्म। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हिम नहीं आएगा, हर आएगा। सो द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर आस्क्ड द नरेटर स्ट्रेंजली, जो कंट्रोल रूम में जो वुमेन थी उसने नरेटर को स्ट्रेंजली बहुत ही आश्चर्य से उसकी तरफ देखा, हैरानी से देखा उसकी तरफ, क्योंकि नरेटर आस्क्ड हर अबाउट अदर ब्लैक एरोप्लेन, क्योंकि नरेटर ने उसे क्या पूछ लिया था, किसी और एरोप्लेन के बारे में, ब्लैक कलर के दूसरे एरोप्लेन के बारे में उसे पूछा था, क्योंकि नरेटर ने तो खुद एक्सपीरियंस किया था उस स्टॉर्मी नाइट में, स्टॉर्मी क्लाउड्स में, कि एक और एरोप्लेन वहाँ पे था उसके अकॉर्डिंग। एंड शी सॉ नो वन एक्सेप्ट द नरेटर्स इन द स्काई, और जो कंट्रोल रूम में जो वुमेन थी उसने किसी और नरेटर के अलावा किसी और के एरोप्लेन को उसने नहीं देखा था उस स्टॉर्मी नाइट में, उस स्टॉर्म में, ड्यूरिंग दैट स्टॉर्म। इवन द रडार शोड ओनली द नरेटर्स प्लेन दैट नाइट इन द स्काई, और इवन अगर रडार सिस्टम भी देखा जाए तो रडार भी सिर्फ उसी को ही, सिर्फ नरेटर के ही प्लेन को दिखा रहा था, अदरवाइज देर वॉज नॉट एनी अदर प्लेन एक्सेप्ट द नरेटर्स इन द स्काई दैट नाइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, हु डू यू थिंक हेल्प्ड द नरेटर टू रीच सेफली, डिस्कस दिस अमंग योरसेल्फ्स एंड गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर, अब आपको क्या लगता है कि नरेटर की किसने हेल्प की थी वहाँ पे सेफली रनवे पे पहुँचाने में। सो वी कैन आंसर इट बाय आवरसेल्फ, अपनी जो हमें थिंकिंग, जो हमारी थिंकिंग कहती है उसी के हिसाब से हम आंसर देंगे। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से अबाउट द अननोन पायलट हु हेल्प्ड द नरेटर, तो ये बहुत ही मुश्किल लगता है किसी और पायलट के बारे में बताना कि कोई और पायलट था उस स्टॉर्मी नाइट में जो पहले दिखाई नहीं दिया, रडार ने उसे कैच नहीं किया, कंट्रोल रूम में वुमेन ने नहीं देखा, तो एक ही जो प्लेन था वो विजिबल था, वो था नरेटर का। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से अबाउट द अननोन पायलट हु हेल्प्ड द नरेटर, तो उस दूसरे पायलट के बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, बट प्रोबेबली इट वॉज द नरेटर हिमसेल्फ दैट हेल्प्ड हिम टू ओवरकम द फियर इन द स्टॉर्म एज नो अदर प्लेन वॉज सीन इन द रडार एक्सेप्ट द नरेटर्स डकोटा प्लेन। बट प्रोबेबली मीन्स शायद, पॉसिबिलिटी क्या है कि इट वॉज अ नरेटर हिमसेल्फ, कि नरेटर ये खुद ही था जिसने उसकी हेल्प की, दैट हेल्प हिम टू ओवरकम द फियर इन द स्टॉर्म, जिसने उसके अपने डर के ऊपर काबू पाने के लिए, डर को कंट्रोल करने में नरेटर ने खुद ही अपनी हेल्प की। एंड नो बिकॉज रडार सिस्टम से अगर देखा जाए तो रडार में भी किसी दूसरे प्लेन की कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, एंड ओनली नरेटर्स डकोटा प्लेन वॉज फ्लाइंग दैट नाइट अकॉर्डिंग टू द रडार एज वेल एज अकॉर्डिंग टू द वुमेन इन द कंट्रोल रूम। इन दैट फियरसम सिचुएशन ही माइट हैव बीन हेलुसिनेटिंग, सो उस फियरफुल सिचुएशन में, जो इतनी ज़्यादा डरावनी और भयानक सिचुएशन हो गई थी स्टॉर्मी नाइट में, तो ही माइट हैव बीन हेलुसिनेटिंग, तो शायद जो नरेटर था वो हेलुसिनेट कर रहा था, दैट मीन्स ही वॉज एक्सपीरियंसिंग अ सीमिंगली रियल परसेप्शन ऑफ समथिंग नॉट एक्चुअली प्रेजेंट, मतलब वो जो देखना चाहता था उस, वो इमेजिन किया उसने, वो उसको सच्चाई लगी, जो उसको लग रहा था कि शायद वो कुछ ऐसा सोच रहा था कि कोई और प्लेन आ जाए और वो मेरी हेल्प कर दे, इस तरह से कोई
तो इस तरह से उसने जो एक रियल सिचुएशन को, उसने अपनी परसेप्शन को रियल सिचुएशन बना दिया और उसको एज इट इज़ परसीव कर लिया। मतलब वो उसका खुद का ही ख्याल था, इट वॉज़ नॉट रियल। ही हिमसेल्फ वॉज ए गुड पायलट एंड ब्रेव इनफ हु हैव्ड हिमसेल्फ लैंडेड सेफली। वो खुद ही एक बहुत ब्रेव पायलट था, एक अच्छा पायलट था जिसने ब्रेवली उस स्टॉर्म से निकल के, स्टॉर्मी क्लाउड से निकल के लैंड किया सेफली ऑन द रनवे। सो विद दिस आर क्वेश्चन आंसर्स आर फिनिश। सो आई होप यू हैव वेल अंडरस्टूड ऑल दीज आंसर्स। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।